हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में जो है स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, प्रीपेड मीटर लगे हुए हैं बिजली की, और उसकी आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि हमारे अकाउंट में जो है कितना बैलेंस अभी बच रहा है, हमारी लाइन कब जो है डिस्कनेक्ट की जाएंगी। अगर हमारा लाइन डिस्कनेक्ट कर दी गई है तो हमें माइनस में कितनी जो है पेमेंट गई हुई है जिसके कारण हमारा जो है लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, और कैसे उसको आप पेमेंट करेंगे कि आपका जल्द से जल्द जो है लाइन एक्टिवेट हो जाए, पूरी डिटेल्स आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, साउथ बिहार नॉर्थ बिहार दोनों का सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे अगर आप साउथ बिहार से बिलोंग करते हैं तो svpdcl.co.in पे आना है, अगर आप नॉर्थ बिहार से बिलोंग करते हैं तो nbpdcl.co.in पे आपको जाना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको इंस्टेंट पेमेंट का, इस पे आप व्यू एंड पे बिल पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, कृपया उपभोक्ता संख्या डालें। यहाँ पे उपभोक्ता संख्या डालेंगे, उसके बाद सिंपली सबमिट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे कंज्यूमर आईडी नाम आ जाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल रही है गेट करंट बैलेंस की, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो करंट बैलेंस है यहाँ पे आपको दिखा देगा, यहाँ पे आपकी मीटर संख्या आ जाएंगी, यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस आ जाएंगी कि अभी आपका लाइन जो है कनेक्टेड है। अगर यही अमाउंट जो है माइनस में जाती है तो यहाँ पे कनेक्शन स्टेटस जो है, अगर आपकी लाइट कट गई है तो यहाँ पे डिसकनेक्टेड दिखाता है, ऑप्शन आपको आ जाएंगी। तो इस तरह से आप जो है बैलेंस चेक कर सकते हैं और इसी माध्यम से जो है आप पेमेंट भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है अपना रिचार्ज अमाउंट डालेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे पेमेंट गेटवे दी गई है बिल डेस्क और पे यू से। देखिए, यहाँ पे अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस अपडेट होने में थोड़ा टाइम लग जाते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पेमेंट जो है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप जो है इसके माध्यम से आप कर लें। देखिए, ये आपको अगर आपके घर में जो है प्रीपेड मीटर लगी हुई है तो ये ऐप जो है आपके मोबाइल में होना जरूरी है। इसको आप स्मार्ट यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे डाउनलोड स्मार्ट मीटर ऐप एंड्रॉयड के लिए है और यहाँ पे आईओएस के लिए भी दी गई है। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड का नया इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपको कंज्यूमर आईडी जो उपभोक्ता संख्या है उससे आपको अकाउंट इसमें बना लेना है, उसमें सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी कि कितना भी आपका अकाउंट जो है बैलेंस बता रहा है। वहां से आप डायरेक्टली जो है पेमेंट भी कर पाएंगे, सिंपली वहां से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई से जो है अपने प्रीपेड मीटर को आप रिचार्ज वहां से कर लेंगे, और वहां पे जो अपडेट हो जाती है पेमेंट वो बहुत जल्द ही पेमेंट अपडेट हो जाती है। तो भी अगर आपका जो है स्मार्ट मीटर है तो इस ऐप को आप जरूर से जरूर जो है डाउनलोड कर लें और अपनी सारी एक्टिविटी वहां पे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी पेमेंट कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाएगा बिहार बिजली स्मार्ट मीटर। इसको सिंपली इंस्टॉल करके अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेनी है और वहाँ पे एक अकाउंट आपको बना लेनी है, सारी अपडेट आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में कवर की है। और बिजली विभाग से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट वीडियो देखनी है, कुछ सीखनी है, कैसे हम कनेक्शन करेंगे, कैसे हम मीटर लगवाएंगे, अगर आपका बिल ज़्यादा आ गया है तो कैसे उसको करेक्शन करवाएंगे, सारी डिटेल्स जो है प्लेलिस्ट जो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी बिजली के नाम पर बनी हुई है उस पर आप इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं, पूरी डिटेल्स आपको हर टॉपिक्स पे वीडियो मिल जाएंगी। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।